मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ये आईटीआई के एक सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जिसकी हिंदी होगी रोजगार कौशल। तो रोजगार कौशल मतलब आप आईटीआई करेंगे, आईटीआई करने के बाद आपको कहीं रोजगार चाहिए, तो उसमें हम किस तरह से रोजगार लेंगे, क्या क्या करेंगे, क्या क्या होता है उसमें, कौन कौन सा हमें ज्ञान होना चाहिए, तो वो पूरी एक मतलब बुक है हमें, जो एक विषय हमें पढ़ाया जाता है। तो उसमें से मैंने आज आपका एक टॉपिक उठाया है कम्युनिकेशन। ठीक, तो ये कम्युनिकेशन मतलब कि ये हमारे सिर्फ आईटीआई तक सीमित नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब हिंदी क्या है इसका? संचार, संप्रेषण। जिसको अगर हम अपने आम भाषा में कहें तो होता है कि बात करने का तरीका, बात कैसे, मतलब अपनी बात किसी तक पहुंचाना, किसी की बात सुनना, तो वही होता है हमारा कम्युनिकेशन। जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ तो ये भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो ये हमारा सिर्फ एक रोजगार के लिए ही नहीं, हर फील्ड में जरूरी है। अगर आप मतलब अगर भी आप आईटीआई के बाद सीटीआई करते हैं, जिसका नाम अब तो सीआईटीएस हो गया है, तो उसमें एक पीओटी है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, तो उसपे पूरा मतलब पूरा चैप्टर है कम्युनिकेशन के ऊपर। लेकिन आपके आईटीआई उससे छोटा लेवल का है तो उसमें बस एक टॉपिक है कम्युनिकेशन, तो मैं उसी पे आज आपको पढ़ाऊंगी। इस पे क्वेश्चन भी आएंगे आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, जो मतलब जिसका 2 साल का कोर्स है उसमें फर्स्ट ईयर में ये पेपर होता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या है कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो बातें हम सोचते हैं, अपना बातें किसी को कहते हैं, किसी की बातें सुनते हैं, या न्यूज हो गया, कुछ भी होगा, ये एक प्रकार का कम्युनिकेशन है। बस उसका तरीका अलग अलग है कि हम किस तरह से अपनी बातें कितने तक पहुंचा रहे हैं, कैसे पहुंचा रहे हैं, तो वो चीजें कम्युनिकेशन ही हमारी होती हैं। तो हमारे कम्युनिकेशन के लिए हमें चार चीजें, मेनली हमको चार चीजें होनी चाहिए। पहला क्या है कि पहला हमारा होता है कि सेंडर, दूसरा हुआ हमारा मैसेज, तीसरा हमारा हुआ चैनल, चौथा हमारा रिसीवर। ठीक, ये चार चीजें हमारे मेनली होनी ही चाहिए। सेंडर क्या है? सेंडर है जो अपना मैसेज देगा। ठीक, सेंडर हो गया जो मैसेज देगा। अब जब कोई मैसेज देगा तो उसके पास मैसेज भी होना चाहिए, दूसरा हुआ हमारे पास मैसेज होना चाहिए, तीसरा हमारे पास चैनल। चैनल का क्या है कि हम किस तरीके से उसको देंगे। ठीक, और रिसीवर, चौथा अगर हम कोई मैसेज दे रहे तो कोई लेने वाला भी होना चाहिए, तो रिसीवर। इसके लिए चार चीजें जरूर होनी चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए हमें चार चीजें चाहिए ही चाहिए। जैसे कि हम आपसे बात कर रहे हैं तो दो लोग होंगे, एक मैं बात कर रही, दूसरा मैं किस बारे में बात कर रही, तो एक मेरे पास सब्जेक्ट होगा, उसका मैसेज होगा कि हम ये चीज बताएंगे, दूसरा हो गया कि हम किस वे से बताएंगे उनको, और जो हमारा चैनल हो गया, और चौथा जो हमारा मैसेज लेगा। जैसे कि मैं आपको अब ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं हो गई सेंडर। ठीक, क्या पढ़ा रही हूँ मैं, वो हो गया हमारा मैसेज। ठीक, चैनल क्या, हम किस वे से पढ़ा रहे हैं, मतलब मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, लिख के मैं आपको वीडियो के थ्रू पहुंचा रही हूँ, तो ये हमारा हो गया चैनल। और रिसीवर हो गया जो आप देख रहे हो, ये हो गया रिसीवर हमारा। ठीक है, इसमें एक आता है कि रिसीवर हमें फीडबैक देगा, मतलब आपको आपको जैसे मैंने वीडियो देखी, आपने आपको पसंद आई तो आप मुझे कमेंट करोगे, लाइक करोगे, और तो वो चीजें जो होता है वो फीडबैक होता है। जैसे हम किसी से बात करें, इससे क्या फर्क पड़ता है फीडबैक का हमारा, कि हमें पता चलता है कि हमने जो मैसेज दूसरों को पहुंचाई वो उसे समझ में आ गई, तो वो हमें फीडबैक देने से हमें पता चल जाता है कि हाँ वो चीज सही था, तो हमें उस पर ज्यादा नहीं रिपीट करना पड़ेगा। नहीं तो अगर किसी को नहीं समझ में आए तो फिर भी वो हमें बताएगा, फिर हम उस पर और चीजें डीपली बताएंगे, उसको समझाएंगे, तो वो होता है हमारा रिसीवर से जो फीडबैक मिलता है, इसका वो बेनिफिट होता है हमारा। कि अब मैंने आपको पढ़ा दिया है जैसे, तो आपको अगर पसंद आया तो आप लाइक करेंगे, तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरा पढ़ाने का तरीका सही था, समझाने का तरीका सही था,
तो वो हमारा फीडबैक होता है, ठीक है। तो अब कम्युनिकेशन के बारे में हमने इतना पढ़ लिया, कम्युनिकेशन है क्या, उसका प्रोसेस क्या है, इसको हम प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। कि एक सेंडर होगा, एक मैसेज होगा, एक चैनल होगा, रिसीवर होगा, फिर वो हमें फीडबैक देगा, तो ठीक है, ये हमारा कम्युनिकेशन हो गया। अब कम्युनिकेशन है कितने टाइप का, मतलब कई टाइप से होता है, मैंने बताया ना कि सबका अलग अलग तरीका है, अलग अलग चीजें हैं, तो हमारा वो चार भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो आइए हम पहले पे जानते हैं, मैं इसको इरेज कर रही हूं, ठीक है। पहला हमारा आता है वन वे, वन वे कम्युनिकेशन, वन वे का मतलब हमें पता है, हमें बहुत ज्यादा, मैं इसकी हर चीज की हिंदी नहीं बताऊंगी क्योंकि सिंपल लैंग्वेज है, हिंदी उसकी बतानी चाहिए जिसका मतलब अलग मीनिंग निकला। अब वन वे का समझ में आया कि एक रास्ता, वन एक रास्ता, एक तरीके से रास्ता, ठीक है। तो वन वे कम्युनिकेशन में क्या होता है, इसमें जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें, हमारा इंटरटेनमेंट हो गया, इंटरटेनमेंट जो हम टीवी से, रेडियो से करते हैं, हम समझाते हैं कैसे, जैसे कि अब टीवी चल रही होती है तो टीवी भी, टीवी पे जो सीरियल्स आ रहे हैं, हम न्यूज देख रहे हैं हम, और जो रेडियो पे हम सुन रहे हैं, वो हमें सिर्फ बता रहा है, उसका हम फीडबैक नहीं दे सकते हैं। कि अब कोई उसमें भी एक सेंडर होगा जिसने वो चीज बनाई होगी, वो एक हम चैनल हमारा हो गया ये टीवी, एक मैसेज जो हमें दे रहा है रिकॉर्ड, पहले उसने सोचा होगा, फिर उसने बनाया होगा, फिर उसने हमें टीवी और रेडियो पे दिखा रहा होगा, लेकिन इसका हम रिसीवर अभी भी है, रिसीवर अभी भी हम देख रहे हैं, लेकिन फर्क यह है कि हम अपना फीडबैक नहीं दे सकते इसमें। तो ये हो जाता है हमारा वन वे में, ठीक है। वन वे कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम अपना फीडबैक नहीं दे सकते। अब टीवी पे मूवी आ रही है तो अब हम उससे डायरेक्टली कह सकते हैं कि आप ये चीज सही दिखाओ, ये चीज क्या था, ये चीज नहीं था, हम नहीं कह सकते ना। तो वो हमारा होता है वन वे कम्युनिकेशन, जिसमें हम अपना फीडबैक तुरंत नहीं दे सकते हैं। दूसरा बात करें हम टू वे, टू वे कम्युनिकेशन, टू वे में कम्युनिकेशन में क्या है कि इसमें दो लोग होने ही चाहिए, इसमें कंपलसरी कि दो लोग होने ही चाहिए। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर रख लें, क्लासरूम, क्लासरूम में हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे हैं, तो ये हमारा टू वे हुआ, क्योंकि उस पर जब हम अपना मैसेज उसको देंगे तो वो हमसे पूछेगा कि सर ये कैसा है, मैम ये कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, तो वो हमें तुरंत फीडबैक दे रहा है। तो ये हमारा टू वे कम्युनिकेशन हुआ। हम फोन पे बात कर रहे हैं तो इधर से मैं बोल रही हूँ तो उधर से उधर भी कुछ जवाब आ रहा है, तो ये हमारा टू वे कम्युनिकेशन होता है, जिसमें कि एक तुरंत हमें जो भी हमें जानना होता है तुरंत हम जान सकते हैं, जबकि वन वे में ऐसा नहीं था। वन वे में हम सिर्फ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन हम उससे ना कुछ कह सकते हैं ना उसे कुछ बता सकते हैं। लेकिन टू वे में है, क्लासरूम हो गया, मोबाइल फोन हो गया, कहीं हम आपस में बात कर रहे हैं दो लोग, तो मतलब एक बोल रहा है, मैं अपना मैसेज दी उसको, फिर उसने अपना फीडबैक मुझे दिया, फिर उसने मुझे मैसेज दिया, मैंने अपना फीडबैक दिया, तो ये हमारा टू वे कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है, क्लियर है। अब ये तो हो गया वन वे, टू वे, अब हम आते हैं और टाइप्स में, ठीक है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे कि हाँ मैं जो पढ़ा रही हूँ, जो मैं मेहनत कर रही हूँ, तो वो अगले को समझ में भी आ रहा है, तो प्लीज लाइक कीजिए। तो हम अपने नेक्स्ट में आते हैं, थोड़ा आता है वर्बल, कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक। वर्बल कम्युनिकेशन में दो आता है, एक ओरल, एक रिटन। ओरल में क्या होगा, जैसे हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, है ना, इंटरव्यू देने गए तो उसमें मुझसे डायरेक्टली पूछा जाता है, तो हम बोल के बताते हैं उसमें ना। वर्बल मिस होता है, इसमें हम
मतलब बोले लिखे जिसमें कोई प्रूफ हो उसका। तो जब इंटरव्यू देने जाते हैं हम तो ओरली होता है हमसे, क्लास में हम टेस्ट लेते हैं तो ओरली बच्चों का टेस्ट लेते हैं, तो वो हमारा वर्बल के ओरल में आता है। रिटन में जैसे हम ईमेल हो गया हमारा, और कोई हम फोन पे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, और कोई कागज होता है लिखित हमको जहाँ सिग्नेचर करना पड़ता है, तो वो भी एक तरह का मैसेज ही तो होता है कि हम कहीं से कहीं तक पहुंचाए। लिखित हमें कागज मिलता है तो उस पर भी किसी ने पहले एक सेंडर होगा जिसने सोचा होगा, फिर उसने कॉपी पे लिखा होगा, तो जो हम लिखा वो हमारा मैसेज हो गया। जिस वे में लिखा, कहीं पेज पे लिखा, तो वो हमारा चैनल हो गया, और जो हम तक आया वो हम रिसीवर हो गए। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा रिटर्न में। और ओरल में जो हम बोल करते हैं, रिटर्न जो हम लिखित देते हैं कोई चीजें, ठीक है, ये भी हमारे तक कम्युनिकेशन। ईमेल भी हमने पहले टाइप किया, फिर मैं भेजा, पहले मैंने सोचा होगा, फिर मैंने टाइप किया होगा, टाइप करके फिर मैंने उसको ईमेल के द्वारा भेजा, फिर अगला पढ़ा होगा, तो वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन ही है हमारा। ठीक है, अगर हम अब अगले की बात करें, ये वर्बल हो गया, तो ये एक होता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जैसे इसमें लिखे ओरल और रिटन हो गया, तो इसमें होता है वर्डलेस। इसमें शब्द चाहिए था, कोई ना कोई शब्द था लिखा गया। नॉन वर्बल हुआ जिसमें हम बोल के ना लिख के इशारों से बात करते हैं, जैसे हम, जैसे कि हमारा का इशारा हो गया, किसी को आई कॉन्टेक्ट से कहते हैं इधर आओ जरा सा, तो ये हमारा एक तरह से हम बात तो किए ना उससे, लेकिन वो वर्डलेस था, लेकिन अगला समझ गया वो, उसने हमें फीडबैक दिया कि हाँ बताओ क्या हुआ, और उसने भी कहा चलो ठीक है ये चीज कर लो। इशारों से जो बात होती है वो हमारा नॉन वर्बल में आता है। ठीक है, नॉन वर्बल। और जो पोस्टर से होता है, जो हमारा पोस्टर्स हो गए, ये भी हमारा कम्युनिकेशन ही है। पोस्टर कहीं लगा हुआ, लिखा हुआ, हमने पढ़ा, उसे भी किसी ने पहले सोचा होगा, फिर उसे बनाया होगा, फिर उसको एक पोस्टर चाहिए, पोस्टर हमारा चैनल हुआ, उसमें जो प्रिंट हुआ मैसेज हुआ, और हमने देखा हम रिसीवर हुए। ठीक है, तो ये हमारा था कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन आप लोग को समझ में आया, कम्युनिकेशन हम जिस तरीके से भी बात करते हैं, चाहे हमको किसी तरीके से कोई भी मैसेज मिलता है, वो हमारा कम्युनिकेशन में आता है। ठीक, मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के टाइप्स मैंने बता दी किस तरीके से होते हैं। अब इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में मतलब हमारा कम्युनिकेशन किस तरीके से यूज है, जैसे कि अब हम कहीं गए तो हमें बात करने का थोड़ा सा एक होता नहीं कि हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से उससे बात करें, क्या हमारा फीडबैक देना चाहिए हमें, तो वो हमारा इम्प्लॉयबिलिटी स्किल रोजगार कौशल में जरूरत पड़ती है। तो ये एक टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, मैं बहुत से टॉपिक्स हैं उस पर, तो मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा आपको कवर कराऊं। तो थैंक यू क्लास, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।